सिस्टाइटिस यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन या आप कहें पेशाब की थैली की सूजन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अगर मेल्स फीमेल्स किसी को भी हो जाए तो अक्सर इसके कारण वो बहुत लंबे समय तक परेशान रहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको एक्यूट होती है और बाद में अगर इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए या आप कहेंगे ठीक नहीं होती, क्रॉनिक सिस्टाइटिस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये जो बीमारी है इसके लिए लोग कई तरह के ट्रीटमेंट भी लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादातर केसेज में ठीक नहीं होती और इसमें लंबे समय तक लोग परेशान रहते हैं। मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से, आप लोग जानते हैं मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और होम्योपैथी क्योर्स द इनक्योरेबल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ होम्योपैथी इज़ ए होप और होपलेस। तो ऐसी एक कंडीशन है सिस्टाइटिस जिसके अंदर अगर आप लंबे समय से इस बीमारी से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, या अगर आप होम्योपैथिक लवर हैं और इस वीडियो को नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि मैंने मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा फ्रेंड, जो सिस्टाइटिस के पेशेंट्स हैं इसके लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसन से, सेफ मेडिसन से और इफेक्टिव मेडिसन से, और हमने ऐसे के पेशेंट जो लंबे समय थे कई वर्षों तक इस बीमारी से परेशान थे वो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हुए। फ्रेंड, सिस्टाइटिस डिजीज को समझने से पहले शॉर्ट में जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए हम थोड़ा सा आपके इस यूरिनरी सिस्टम को समझ लेते हैं जिससे आपको बीमारी को समझने में आसानी होगी। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि चाहे मेल है या चाहे फीमेल है, उन दोनों के अंदर ही आपके शरीर में दो किडनी यानी दो गुर्दे होते हैं और आपके राइट और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ एक एक किडनी होती है। इस किडनी का आप लोग जानते हैं कि एज ए फिल्टर यानी हमारे शरीर में छलनी की तरह काम करती है और हमारे ब्लड के अंदर, खून में आप कह सकते हैं, उसके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स, या आप कह सकते हैं कि शरीर की जितनी भी खून की जो गंदगी है उसको एज ए फिल्टर करके और ये फिर यूरिन यानी पेशाब बनाती है। और ये आपकी किडनी में दोनों गुर्दों में जो यूरिन बनता है, ये यूरिन आपके दोनों गुर्दे में एक एक यूरेटर होता है, उससे ये नीचे ट्रांसपोर्ट होके और नीचे यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर को आप मूत्राशय या पेशाब की थैली भी कह सकते हैं। ये एक तरह की मस्कुलर थैली है जिसका साइज छोटा और बड़ा हो सकता है और इसका मेजर काम होता है कि आपका जो यूरिन बन रहा है उसको वहाँ पे स्टोर करना। और जब एक निश्चित मात्रा में ये पेशाब इकट्ठा हो जाता है तो नीचे आपकी जो यूरेथ्रा जो है उससे ये पास हो जाता है। फ्रेंड्स, यूरिनरी ब्लैडर तक मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर सेम एनाटॉमी होती है, एक जैसा इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेकिन आप जानते हैं कि मेल्स के अंदर जो यूरेथ्रा, उनका जो पेशाब की नली है वो उनके पेनिस से यानी लिंग में से जो है निकलती है और मेल्स के अंदर जो पेशाब की नली यूरेथ्रा है थोड़ी सी लंबी होती है और फीमेल्स के अंदर यूरेथ्रा शॉर्ट होती है, छोटी होती है। यही एक बड़ा कारण होता है कि फीमेल्स के अंदर छोटी यूरेथ्रा होने के कारण उनके अंदर जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी तरह का बैक्टीरिया का या दूसरा कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो तुरंत उनको यूटीआई के जो चांसेस होते हैं फीमेल्स के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम समझते हैं सिस्टाइटिस क्या कंडीशन है। सिस्टाइटिस वो एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर आपकी यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम मूत्राशय कह रहे हैं या पेशाब की थैली कहते हैं, वहां पर कोई भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। ये यूजुअली ई कोलाई इन्फेक्शन होता है और ये इन्फेक्शन होने के कारण वहां पर एक इन्फ्लेमेशन होती है जिसको आप कह सकते हैं वहां सूजन या स्वेलिंग हो जाती है और वहां आपको दर्द सा होने लगता है जिसके कारण आपके शरीर में कई तरह के सिम्टम्स या लक्षण पैदा होने लगते हैं। अब सिस्टाइटिस के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारा जो नाभि के नीचे का एरिया जिसको हम लोअर एब्डोमन कह देते हैं या पेट का नीचे का हिस्सा जिसको रूटीन में पेडू कहा जाता है, उस हिस्से में जहां आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है वहां पर आपको दर्द रहने लगता है, आपको एक भारीपन सा महसूस होता है और एक डिस्कम्फर्ट सा बना रहता है। आप सिस्टाइटिस में देखेंगे कि आपको यूरिन जो है बार बार जाना पड़ रहा है, आपका यूरिन खुलकर नहीं आ रहा और बूंद बूंद करके यूरिन आ रहा है और आपको यूरिन में दर्द होगा, आपको यूरिन अपना गर्म महसूस होगा और यूरिन करते समय और बाद में आपको उसमें एक बर्निंग सेंसेशन, एक जलन सा बना रहेगा जो बहुत डिस्कम्फर्टेबल होता है। आपको यूरिन का कलर चेंज होने लगेगा, आप देखेंगे आपका यूरिन डार्क हो रहा है, थोड़ा क्लाउडी सा होने लगा है, आपके यूरिन से स्मेल आ रही है, बदबूदार हो गया है। और जब यूरिन टेस्ट करवाया जाता है तो देखने को मिलता है कि आपके यूरिन टेस्ट के अंदर आरबीसी है और पस सेल्स भी आ रहे हैं। दूसरे कुछ लक्षणों की बात करें तो आप शरीर में थकावट महसूस कर सकते हैं, कमजोरी सी महसूस होगी, आपको शरीर में दर्द रहेगा और आपको हल्का सा बुखार हमेशा महसूस होगा। इसी तरह से फीमेल्स में देखने को मिल सकता है कि जब वो फिजिकल रिलेशंस बनाए तो उनको दर्द हो सकता है। नेक्स्ट हम सिम्टम की बात करें तो इसमें आपको नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अब इसके कारणों को समझ लेते हैं कि आपको सिस्टाइटिस क्यों हो जाता है। कारण की बात करें तो अभी अभी हमने बात की थी, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और आपकी यूरेथ्रा में जब इन्फेक्शन आ जाता है तो इन्फेक्शन वहां से ट्रेवल करके और आपके यूरिनरी ब्लैडर तक चला जाता है जिसके कारण आपके यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन आ जाता है। और लगभग 90-95% केसेस जो सिस्टाइटिस के होते हैं इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम ई कोलाई कहते हैं, उसके इन्फेक्शन के कारण होता है।
इसी के साथ में वो लोग जिनको बार बार यूटीआई की हिस्ट्री रही है, जो फीमेल्स के अंदर मेल्स के बजाय ज्यादा देखने को मिलता है, ऐसे लोगों के अंदर आपको सिस्टाइटिस देखने को मिलेगा, या आपकी कोई ऐसी सर्जरी हुई है जिसके अंदर आपको कैथेटराइज करना पड़ा है, तो उसके कारण भी आपको सिस्टाइटिस हो सकता है। फीमेल्स के अंदर एक कंडीशन और देखने को मिल सकती है कि जब वो नए नए फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू करती है, आप कह सकते हैं कि जस्ट मैरिज के बाद भी जब फिजिकल रिलेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद भी फीमेल्स के अंदर यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन होकर उनको सिस्टाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम कारण की बात करें तो अगर आप पर्सनल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, यानी अगर आप साफ सफाई प्रॉपरली अपने पार्ट्स की नहीं रखते हैं, तो उसके कारण भी आपको सिस्टाइटिस हो सकता है। इसी तरह से अगर आप बहुत ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करते हैं या कॉमन वॉशरूम को यूज करते हैं, जहां मेल फीमेल्स कॉमन वॉशरूम को यूज कर रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको ऐसे इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसमें आपको कोई तरह का रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, बार बार आपको MRI करानी पड़ रही है या बार बार आपको CT स्कैन कराना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में भी आपको देखने को मिल सकता है। काफी केसेस के अंदर ये देखने को मिला, वो लोग जिनको बार बार किडनी स्टोन्स होते हैं, तो उसके कारण भी इन्फेक्शन होकर आपको सिस्टाइटिस हो सकता है। वो लोग जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी सिस्टाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेल्स के अंदर एक कंडीशन और देखने को मिलती है काफी कॉमन, कि मेल्स के अंदर विद एज उनका प्रोस्टेट जो है वो एनलार्ज होने लगता है, जिसको हम BPH कहने लगते हैं। तो मेल्स के अंदर वो मेल जिनका प्रोस्टेट एनलार्ज है या जिनको प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन या कोई तरह का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है या प्रोस्टेट कैंसर है, तो ऐसे मेल्स के अंदर भी सिस्टाइटिस बहुत कॉमन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, हमने इसके लक्षण समझे, कारण समझे, अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को समझते हैं। जब ये सारे सिम्टम्स आप अपने डॉक्टर से जाके शेयर करते हैं, तो आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं सर कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं, तो ऐसे के अंदर आपका रूटीन ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है, इसी के साथ में आपका यूरिन टेस्ट करवाया जा सकता है, आपका यूरिन कल्चर टेस्ट भी करवा सकते हैं, और आपका अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी भी करवाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इन सब के बाद में जब डायग्नोज हो जाता है कि आपको सिस्टाइटिस है, तो फिर आपके ट्रीटमेंट की बात आती है। और सिस्टाइटिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा हम बात कर रहे थे, होम्योपैथी के अंदर बहुत ही सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन है, जिससे सिस्टाइटिस को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बात करें कौन कौन सी मेडिसिन की, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बेस्ट मेडिसिन या बेस्ट ट्रीटमेंट वो होता है जो आप अपने डॉक्टर से अपने पूरे केस को डिस्कस करें, आप अपने रिपोर्ट्स या इन्वेस्टिगेशन अगर कराए गए हैं तो उसके अनुसार, या जो आपकी हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली जो आपके लिए मेडिसिन दी जाएगी वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। फिर भी आपके नॉलेज के लिए कुछ मेडिसिन जो रूटीन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैंने देखा कि सिस्टाइटिस के जो केसेज है, ऐसे के अंदर थूजा एक बहुत अच्छी मेडिसिन देखी गई है, और थूजा को 200 पोटेंसी में यूज करना चाहिए, और इसको आप वीक में 2 times यूज कर सकते हैं। मान लीजिए थूजा 200 की एक डोज आपने संडे को ली, तो आप इसको वेडनेसडे या थर्सडे को ये वापस रिपीट कर सकते हैं। अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, तो इसकी 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या सुगर ग्लोब्यूल्स में जैसे दिया जाता है वैसे भी आपको दी जा सकती है। थूजा एक ऐसी मेडिसिन है जिसको अगर इवनिंग आवर्स में लिया जाए तो और अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो थूजा 200 को वीक में 2 बार लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो ऐसे के अंदर एपिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और एपिस को 30 पोटेंसी के अंदर सुबह शाम लिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन जिसमें बहुत इफेक्टिव देखी गई वो कैंथ्रिस 200 है। कैंथ्रिस 200 को भी आप सुबह शाम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन जो पोटेंसी में होती है, जैसा एपिस 30 और कैंथ्रिस 200 की हम बात कर रहे हैं, तो मेडिसिन की अगर पोटेंसी होती है तो इसकी एवरेज डोज की बात करें तो 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे आपके डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं, या सुगर ग्लोबुल्स के साथ भी आपको दोनों मेडिसिन दी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन इसके अंदर मैंने देखा है, बहुत इफेक्टिव देखा है। इसके अंदर 3 मदर टिंचर को आप ले सकते हैं। पहला मदर टिंचर है बर्बेरिस वल्गेरिस, सेकेंड है इक्विसिटे मदर टिंचर, और थर्ड है ट्रिटिकम रिफेंस मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर को एक 30 ml खाली CC के अंदर इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए, मतलब 10 ml आपने बर्बेरिस मदर टिंचर ले लिया, 10 ml आपने उसे इक्विसिटे मदर टिंचर ले लिया, और 10 ml ही ट्रिटिकम रिफेंस मदर टिंचर ले लिया। इन तीनों मदर टिंचर्स को इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स कर लें। उसके बाद इस मदर टिंचर की 25 drops दिन में 3 बार 1 cup गुनगुने पानी के साथ मिलाकर सिप बाय सिप घूंट घूंट करके आपको लेनी होती है। फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन है जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा भी और बहुत सी मेडिसिन है जो एज पर साइन एंड सिम्टम्स आपके डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप सिस्टाइटिस को अपने डॉक्टर के गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आपका सिस्टाइटिस चाहे एक्यूट है या चाहे क्रॉनिक है, जो लंबे समय से आपको तंग कर रहा है, आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं सर क्लिनिक कहाँ है, तो मैं आपको बताऊँ क्लिनिक का जो एड्रेस है वो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। और जो लोग दूर रहते हैं, ऑनलाइन या टेलीफोनिक डिस्कशन करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।